अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सचेंज का यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यासिर गफूर। आज हम प्रिसेंट 8 में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रिसेंट 8 में 250 स्क्वायर यार्ड्स का बहुत ही शानदार और खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ विला आज हम आपको इनसाइड टूर करवाएंगे। इस तरह का आपको शानदार डिज़ाइन हुआ और खूबसूरत A+ कंस्ट्रक्शन का विला आपको बैरियर टाउन कराची में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, साथ ही लॉन डिज़ाइन किया गया, इसके साथ रोड पर यह विला कंस्ट्रक्ट किया गया। बाहर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, आउटर डिज़ाइन इसका देख सकते हैं। इस वक्त हम गैरेज के अंदर एंटर हो रहे हैं, कार पाउच के अंदर एंटर होते साथ ही आपको बहुत स्पेशियस स्पेस देखने को मिलती है। कार पाउच के बिल्कुल लेफ्ट साइड राइट साइड पर आपको एक कॉरिडोर देखने को मिलता है जो कि पीछे आपको वॉशिंग एरिया की साइड पर लेके चलता है। बहुत स्पेस में आपको वो डिज़ाइन करके दिया गया। ये सारा गैरेज का एरिया है, गैरेज के एरिया के साथ ही आपको यहाँ पर भी एक स्पेस दी गई है जहाँ पर आपको, आप इसको भी अपना एज अ वॉशिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको विंडो इंस्टॉल करके दी गई है और यहाँ से मेन एंट्रेंस जो कि आपके विला की है वो यहाँ से आपको देखने को मिलती है। बहुत मज़बूत लकड़ी यहाँ पर यूज़ की गई है और साथ ही आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेड और अच्छी क्वालिटी के आपको देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप, डोर की हाइट आप देख सकते हैं और सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये नीचे टाइल्स, मार्बल टाइल्स आप देख सकते हैं। लॉबी से आते साथ ही आपको एक साइड पर स्टेयर्स के बिल्कुल डाउन आपको पाउडर रूम देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको पाउडर रूम का व्यू दिखा दें। ये पाउडर रूम का आप साइज़ भी देख सकते हैं और इसके अंदर एक कंबोर्ड इंस्टॉल करके दिया गया है, साथ ही आपको प्लांटेशन भी करके दी गई है। स्टेयर्स के बिल्कुल सामने आपको एक डक देखने को मिलती है जो कि वेंटिलेशन के लिए बना कर दी गई है। वेंटिलेशन देख सकते हैं, अंदर एक फाउंटेन डेकोरेट किया गया, डेकोरेट इसको बहुत अच्छा किया गया, ग्लास से इसका कंप्लीट इसको ब्लॉक किया है ग्लास के साथ। अंदर आप फाउंटेन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू देखने को यहाँ से मिलता है जब इसके अंदर लाइट्स रात के टाइम आपको देखने को मिलती है। ये टिल रूफ आपको ओपन देखने को मिलता है और अपने एंटर होते साथ ही आपको लॉबी के लेफ्ट साइड पर आपको बहुत ही खूबसूरत और शानदार किस्म का आपको ड्राइंग रूम देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे तो ऊपर फानूस इंस्टॉल करके दिया गया है, फानूस के बिल्कुल नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर की गई है। ये भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार लकड़ी के साथ बनाया गया आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर आपको फानूस का डिज़ाइन, सीलिंग डिज़ाइन बहुत खूबसूरत और बाहर आपको व्यू भी देखने को यहाँ से मिलता है। ड्राइंग रूम के अंदर से भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आपकी वेंटिलेशन के लिए जो डक बनाई गई है वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। इस साइड पर आपको स्टेयर्स दी गई हैं, ये आपको स्टेयर्स अपर पोर्शन पर लेके चलेंगी। उससे पहले हम आपको इसका टीवी लाउंज दिखाते चलें। बहुत ही शानदार किस्म का इसका टीवी लाउंज और बहुत बड़े साइज़ का इसको डिज़ाइन किया गया। ये टीवी लाउंज में आते साथ ही आपको सामने एक मीडिया वॉल देखने को मिलेगी, मीडिया वॉल और ऊपर सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। एक फानूस इंस्टॉल करके दिया गया और सीलिंग डिज़ाइन ब्लैक एंड वाइट में आपको बना कर दी गई है। ये आप देखेंगे तो मीडिया वॉल बहुत ही शानदार अच्छी इंटीरियर डिज़ाइन इसके अंदर किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस साइड पर आपको कबर्ड्स बना कर दी गई हैं, नीचे आपको ड्रॉर्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी LED इंस्टॉल कर सकते हैं। टीवी लाउंज से बिल्कुल साथ ही आपको विंडो दी गई है जहाँ से आपको अपने कॉरिडोर और जो पीछे वॉशिंग एरिया की साइड जा रही है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा प्लांटेशन। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पर स्पेसिफिकली टीवी लाउंज के लिए किया गया ताकि जब बाहर देखें तो यहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिले। बाइक के बारे में, सराउंडिंग के बारे में बात करता चलूँ तो आपको सामने ही आपको ग्रैंड जामा मस्जिद, टेस्कोन टावर्स और बैरिया आइट का व्यू भी आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ये आपको मैंने अभी टीवी लाउंज का व्यू दिखाया, टीवी लाउंज में मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह की यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गई है। ये दो डोर्स जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये बेडरूम्स हैं। इसके बेडरूम से पहले मैं आपको इसके किचन का टूर करवा दूँ। किचन में जाते साथ ही आपको सबसे पहले ग्लास डोर देखने को मिलता है जो कि वुड और ग्लास से बनाया गया है। हैंडल आप देख सकते हैं, डोर हैंडल बहुत ही अच्छे किस्म का और इम्पोर्टेड हैंडल यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। ये इसके किचन की आप स्पेस देख सकते हैं। किचन में आपको वुड कलर के साथ आपको ब्राउन कलर में सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया गया, कवर्स आपके लिए बना कर दी गई हैं। यहाँ पर आप अपने अप्लाइंसेज इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना माइक्रोवेव और जिस तरह की किचन की अप्लाइंसेज है वो सारी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कवर्स की स्पेस आपको बताते चलूँ तो ये आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक यहाँ पर आपको कवर्स बना कर दी गई हैं। सिंक के बारे में बात करते चलें तो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का, अच्छी कंपनी का इम्पोर्टेड
ये आप देख सकते हैं कि आपको सिंक भी इंस्टॉल करके दिया गया। किचन से बाहर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको किचन से बाहर जाने के लिए भी रास्ता दिया गया। ये आपको वॉशिंग एरिया की साइड से जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये आपको गैरेज से आते साथ ही आप यहाँ से भी किचन से किचन में एंटर हो सकते हैं। और ये पीछे आपको वॉशिंग एरिया की साइड पर हम लेके चलते हैं अभी। ये आप देखेंगे तो वॉशिंग एरिया के लिए बहुत बड़ी स्पेस दी गई है। वॉशिंग एरिया को बहुत अच्छा डिज़ाइन करके आपको यहाँ पर स्पेस अच्छी खासी दी गई है ताकि आपको एक अच्छी स्पेस देखने को मिले। हम फिर से किचन के अंदर एंटर होंगे। किचन के साथ एग्जिट होते साथ ही हम आपको दो जो बेडरूम्स है वो आपको दिखाएंगे। इस घर के अंदर आपको एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। मास्टर बेडरूम का भी हम आपको व्यू दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एक्सचेंज को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जी तो नाज़रीन, इस टाइम हम फर्स्ट बेडरूम के अंदर जा रहे हैं और ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं और इसकी स्पेस देख सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस बेडरूम यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। टाइल्स आप देख सकते हैं। बेडरूम से आते साथ ही आपको यहाँ पे वार्डरोब देखने को मिलती है। वार्डरोब में आपको मैं अंदर का इसका व्यू दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया, बहुत अच्छी लकड़ी यहाँ पर यूज़ की गई है। डोर्स का तो आपको मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया। वैनिटी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार अच्छी क्वालिटी की, अच्छे कलर डिज़ाइन में की गई है। इस साइड पर आपको आपका शॉवर एरिया भी देखने को मिल जाता है। वॉशरूम से एग्जिट होते साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे सेकंड बेडरूम पर। यह आपको टीवी लाउंज का व्यू देखने को मिलता है और साथ ही आपको आपका सेकंड बेडरूम देखने को मिलता है। सेकंड बेडरूम से आपको बताऊं तो आपको यहां से भी आपको डक आपकी जो वेंटिलेशन के लिए दी गई है उसका व्यू भी आपको यहां से देखने को मिलता है। यह आप देख सकते हैं इसके सामने जो विंडो है उसको ओपन किया गया ताकि आपको यहाँ से ओपन एयर आए, फ्रेश एयर आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ये बेडरूम का आप साइज देख सकते हैं, स्पेनिश डिज़ाइन में इसको पूरे घर को डिज़ाइन किया गया। सेम वार्डरोब्स जैसे आपको पिछले बेडरूम में मैंने आपको दिखाया और यहाँ पर आपको वॉशरूम डिज़ाइन करके दिया गया। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं और जो वॉशरूम में टाइल्स इंस्टॉल करके दी गई हैं मार्बल, आपको बहुत ही अच्छी कलर कंपेरिजन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये कम्बोर्ड है इसका और यहाँ पर आपको सिंक आपको इंस्टॉल करके दिया गया। हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का फुल इनसाइड टूर करवा दिया, अभी हम आपको लेके चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर। इसका फर्स्ट फ्लोर का आपको हम व्यू दिखाएंगे। ये इसकी लॉबी है, लॉबी से बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आते साथ ही आपको स्टेयर्स मिलती हैं जो कि बहुत ही शानदार आपको लाइटनिंग के साथ आपकी हर स्टेयर पर आपकी लाइटनिंग की गई है। आपको इसके ऊपर दिखाऊँ तो आपको एक बहुत ही शानदार लाइट्स, फैंसी लाइट्स आपको इंस्टॉल करके दी गई हैं और यहाँ पर एक विंडो दी गई है जहाँ से आपको बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। जी तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो वेंटिलेशन के लिए डक आपको बनाकर दी गई है वो आपको टंग आपको टिल रूफ आपको वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट के लिए आपको देखने को मिलती है। जी तो ये फर्स्ट फ्लोर पर आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलता है, यानी आपका थर्ड बेडरूम। ये भी आप बेडरूम देख सकते हैं, बेडरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा बनाया गया। सेम यहाँ पर भी आपको वार्डरोब्स इंस्टॉल करके दी गई हैं और यहाँ पर आपका वॉशरूम ये देख सकते हैं आप। इस बेडरूम से बाहर आते साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे इसके टीवी लाउंज पे। टीवी लाउंज का आप डिज़ाइन देखेंगे तो आप भी ये देख सकते हैं, इसके अंदर सेम आपको मीडिया वॉल डिज़ाइन करके दी गई है। ऊपर आपको फैंसी फानूस देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़े छोटे साइज का लेकिन बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ यहाँ पर किचन डिज़ाइन करके दिया गया। यहाँ पर आप अपनी फ्रिज इंस्टॉल और डिफरेंट अप्लाइंसेस आप यहाँ पर अपनी यहाँ पर रख सकते हैं। सेम किचन डिज़ाइन जैसे नीचे बनाया गया, ब्राउन कलर वुड कलर में आपको यहाँ पर बनाकर दी गई है। टीवी लाउंज से आते साथ ही हम आपको इसे लेके चलेंगे मास्टर बेडरूम में। ये मास्टर बेडरूम आपको 250 गज़ का नहीं बल्कि आपको 500 गज़ या 1000 गज़ का देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा साइज़ आपको देखने को मिलता है। ये 250 गज़ का मास्टर बेडरूम है और आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन किस तरह इसको किया गया। मीडिया वॉल इसके अंदर बहुत ही अच्छी इंटीरियर डिज़ाइन जो इसके अंदर किया गया वो आप देख सकते हैं।
अभी इसका हम आपको इसका वॉशरूम भी दिखाएंगे। वॉशरूम भी इसका बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया, बहुत बड़ी विंडो दी गई है जहाँ से आपको सनलाइट भी आती है और बाहर का व्यू भी आपको देखने को मिलता है। लेफ्ट राइट आपको वार्डरोब इंस्टॉल करके दी गई है, यहाँ पर भी वार्डरोब है और इस साइड पर भी आपको वार्डरोब इंस्टॉल करके दी गई है। मास्टर बेडरूम का आपको मास्टर वॉशरूम हम दिखाते हैं। ये इसका मास्टर वॉशरूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो सिंक्स इंस्टॉल, दो वैनिटीज आपको इंस्टॉल कर दी गई हैं और सामने बहुत ही खूबसूरत मिरर इंस्टॉल किया गया जिसके ऊपर लाइटनिंग भी आपको दी गई है। वॉशिंग एरिया के लिए ग्लास यहाँ पर आपको लगा कर दिया गया है और ये बहुत ही शानदार इंपोर्टेड जकूजी आपको इंस्टॉल यहाँ पर करके दी गई है। इसका जो कंबोर्ड है वो आपको इस साइड पर देखने को मिलता है। मास्टर बेडरूम के साथ हम आपको अब लास्ट बेडरूम इसका दिखाते हैं। लास्ट बेडरूम का भी आपको अच्छा साइज आपको देखने को मिलता है। मास्टर बेडरूम का व्यू मैंने आपको दिखाया। अगर आप इस तरह का विला बैरियट रूम कराची में बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट बेडरूम है, फिफ्थ बेडरूम, वो आपको इसका साइज़ देखने को मिल सकता है। ये आपको दो डोर्स देखने को मिलेंगे। एक डोर जो है वो वॉशरूम के लिए आपको दिया गया और सेकेंड डोर जो है वो आपको आपके रूफ टॉप के लिए दिया गया। यहाँ से आप अपने रूफ टॉप पर जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपने रूफ टॉप पर जा सकते हैं। इसके वॉशरूम का मैं आपको डिज़ाइन दिखाता चलूँ। वॉशरूम भी आपको बिल्कुल खूबसूरत डिज़ाइन करके दिया गया है। आप इसका कंबोर्ड देख सकते हैं, सामने शॉवर एरिया देख सकते हैं और यहाँ पर विंडो भी आपको दी गई है और ऊपर आपको एक एग्जॉस्ट लगा कर दिया गया। इस वॉशरूम की जो कबर्ड हैं वो आपको बेडरूम की जो कबर्ड हैं वो आपको वॉशरूम के अंदर डिज़ाइन करके दी गई हैं, ये देख सकते हैं आप। जी तो नाज़रीन, आज हमने आपको प्रेसेंट 8 के अंदर A+ कंस्ट्रक्शन का विला हमने आपको इनसाइड टूर करवाया। अगर आपको ये विला पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये भी आप देख सकते हैं, इसका जो टेरेस का व्यू है बहुत ही खूबसूरत सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ पर आप चेयर्स रख कर आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को मिलता है। इस विला की डिमांडिंग प्राइस के बारे में पता चलो तो 450 लाख इसकी डिमांडिंग प्राइस रखी गई है। अगर आप बैरियर कराची के बारे में किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ यासिर कपूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।